है कि पाकिस्तान को कटोरा तो फुल हो गया है, जिस तरह से भीख आईएमएफ से मांगी जा रही थी वो तो मिल गई है, लेकिन ये भीख भी काफी नहीं है, ना काफी साबित हो रही है। पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे। इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। उनके लिस्ट में तो नंबर वन टायर है जाकिर नाइक की। ऐसा लग रहा है कि कर्ज लेना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है और ये जो बीमारी है ये बढ़ती ही जा रही है। जो भी सरकार आती है बिना कर्जा लिए कामकाज चला ही नहीं पाती और यही कर दिया है शहबाज शरीफ ने, लेकिन नौबत ऐसी आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की तरह उन्हें भी भाग खड़ा होना पड़े, क्योंकि आवाम को एक एक चीज का हिसाब यहाँ देना पड़ रहा है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ शहबाज शरीफ अपनी ही तैयारियों में लगे हुए। कर्जा जिस तरह से लिया, इतनी कड़ी शर्तों के बीच लिया है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में दिन काटना अब लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि त्रस्त हो चुकी है पाकिस्तान की जनता। लेकिन शहबाज शरीफ को शायद समझ नहीं आ रहा है कि गले तक कर्ज में डूबने के बावजूद इतना बड़ा कर्ज फिर से ले लिया। देखिए जो मिडिल ईस्ट के देश है वो तो आंखें तरेरते हैं, पैसे भी नहीं देते, और जब आईएमएफ से लिया है ये राहत पैकेज जो मिला है सो कॉल्ड, वो राहत देता नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से अब आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि कड़ी शर्तें जो लगाई गई हैं वो कितनी मुश्किल खड़ी करने वाली। खस्ता हाल है पाकिस्तान, पैसे रुपए के लाले, लोगों को आटा लेने में भी दिक्कत हो रही है, रोटी के लाले पड़े हुए, इस बीच कर्जा तो मिला लेकिन ये कर्जा काफी नहीं। क्यों? दरअसल पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज और राहत की यहां गुहार लगाई थी, मदद मांगी थी, कटोरा लेकर खड़ा था। अब दे तो दिया गया पैसा, लेकिन इससे भी कहीं कुछ होता नहीं दिख रहा है। प्लेट बदलेंगे अगली ग्राफिक्स की, अमित आपको बताएं कि देखिए आईएमएफ ने पाक के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ को लगा कि अब तो सब सेट हो जाएगा, 26 सितंबर को 7 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी गई है। आईएमएफ ने पहली किस्त जारी कर दी, 1 अरब डॉलर की जो किस्त है उसे जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने कर्ज के बदले सुधारों का वादा किया था, क्योंकि वादे लिए गए थे, पहला कर्जा तो चुका नहीं पाया है पाकिस्तान। ऐसे में आईएमएफ ने कहा था कि आप सुधार करिए तभी हम पैसा दे पाएंगे। खर्च में कटौती करने की बात कही गई, टैक्स और जीडीपी अनुपात बढ़ाने का वादा किया गया, यानी सारा बोझ जनता पर डालने की तैयारी की गई। कृषि और रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों पर कर लगाने का भी वादा किया, यानी कि जो लोग हैं उनकी जेबों से पैसा खींचकर पैसा बढ़ाने की बात की थी शहबाज शरीफ ने, और उसके बाद ये कर्जा दिया गया। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान खस्ता हाल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये जिहादी हैं ये मालामाल हो रहे हैं, इनकी आवभगत की जा रही है, ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब ये गले की फांस बन गया है कर्जा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, डिटेल के जरिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट कर्ज का जाल पाकिस्तान की आवाम करगा, आईएमएफ से कर्जा बार बार, शहबाज को आतंक से प्यार, शहबाज कर रहे बड़ी गलती, शुरू होने वाली है उल्टी गिनती। शहबाज शरीफ के आईएमएफ कांड, यानी आईएमएफ से लोन लेने के बाद उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, जिसका नतीजा पाकिस्तानी आवाम को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज को मुफ्त की रेवड़ी समझने वाले शहबाज शरीफ ने इस बार बिना सोचे समझे आईएमएफ से मोटी रकम ले ली है, वो भी ऐसी शर्तों पर जिससे पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की जंजीरों में बंधा ही रहेगा। पाकिस्तान को कर्जा तो मिल गया है, लेकिन पहले से ही अपनी किस्मत को रो रही पाकिस्तान की जनता टेंशन में है। टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि लोन लेने के नाम पर शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, लाखों लोगों की सरकारी नौकरियों पर बनाए हालात इतने खराब है कि आम तो आम, सियासत करने वालों का भी पसीना छूट रहा है। कर्ज लेने के लिए शहबाज इतनी जल्दबाजी में है कि उनकी सरकार ने बकायदा इस फैसले का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सरकारी मुलाजिमों को इस बारे में जानकारी देते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार ने आईएमएफ के साथ
7 अरब अमेरिकी डॉलर की लोन की डील की है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इसके लिए हमें मंत्रालयों का सही आकार तय करना होगा, 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। इसके अलावा हमें अलग अलग मंत्रालयों में 1,50,000 सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। पाकिस्तान को IMF ने 7 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसको एक प्रकार से स्वीकार किया है, मगर ये भी है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, और ये जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं IMF से, वो अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट लगा देती है तो फिर आम लोगों का के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी होगी। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब हैं। आज 100 बिलियन डॉलर से उसके ऊपर कर्जा है, और ये बार बार जो IMF से लोन तो ले रहा है, मगर ये लोन वापस कैसे देगा। हालांकि शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद पाकिस्तान को दलदल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 70.4 खरब रुपए है। पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 8.35 खरब रुपए। IMF का कुल कर्ज $19 अरब। पाकिस्तान में प्रत्येक नागरिक पर 3 लाख का कर्ज। पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार। साफ है कि पाकिस्तान कर्ज ले लेकर अब दलदल में तो फंस ही चुका है और आगे सिर्फ बर्बादी है। लेकिन ऐसे में भी मियां शहबाज अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि दलदल से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो दलदल में और फंसता दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। जो कर्ज लिया है उससे नुकसान ज्यादा है, फायदे कम, क्योंकि 1,50,000 सरकारी पद यहाँ खत्म करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, इस तरह की नौबत आ गई है, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, पैसे की कटौती करनी पड़ रही है अलग अलग जगहों से। और कहां पैसे की कटौती हो रही है आपको बताएं, जानकारी आपके सामने रखें। 6 मंत्रालयों को देखिए बंद करने की घोषणा करनी पड़ी है। इसके अलावा 2 बड़े मंत्रालयों को मर्जर किया गया, यानी उसे विलय कर दिया है। पैसे की कटौती, इस पर खर्चा बचाने के लिए सब किया जा रहा है। वित्तीय जिम्मेदारियां जो हैं प्रांतों को ट्रांसफर कर दी गई हैं, वो अपना संभालें, देखें, चलाएं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है भाई, खस्ता हाल है, फटे हाल है। सीमित सब्सिडीज कर दी गई, यानी जनता के लिए कोई सहूलियत नहीं है, जनता की जेबों से सिर्फ पैसे निकालने हैं, उनको कोई सहूलियत नहीं देनी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बता लेते हैं कि पैसा तो मांग लिया है, लेकिन बोझ कितना बढ़ गया है। जी हाँ, क्योंकि कर्ज जो बाकी था वो भी अभी तक चुकाया नहीं जा सका है, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। जी हाँ, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान पर 223.86 बिलियन डॉलर का कर्ज है। सोचिए कितने जीरोज होंगे इसमें, आप अगर गिनती करने लगे तो आपको समझ में आएगा। 75% कर्ज है। देखिए सिर्फ विदेशी कर्ज का $130 के पार पहुंच चुका है, विदेशी कर्ज $130 के पार पहुंच चुका है। GDP का आपको बताएं 75% तक पहुंचा है कुल कर्जा। ये देखिए कैसे तेजी से ये कर्जा बढ़ रहा है, 75% तक पहुंच चुका है। GDP जो ग्रोथ रेट है इनकी, उसके 75% कहां जाएगा देश, आप सोचिए। पाकिस्तान ने फिर लिया है IMF से 7 अरब डॉलर का लोन, जो हमने आपको बताया पहली किस्त जारी कर दी गई 1 अरब डॉलर की। IMF का पाक पर अब कुल 26 अरब डॉलर बकाया है। कहां से लाएगा पाकिस्तान, क्या जनता की जेबों से खींचेगा? 3-3 लाख रुपए इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक नागरिक जो पाकिस्तान में रहता है उसके ऊपर 3-3 लाख का कर्जा है। हालात कितने बुरे हैं। हालांकि हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर आतंक की नीति फॉलो नहीं करते तो पड़ोसियों की मदद करने के लिए भारत जाना जाता है, भारत ही मदद कर देता।